फ्रेंड्स, मैं शेफाली, मेरे चैनल अर्बन लाइफस्टाइल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ मनी प्लांट्स को कैसे प्रोपेगेट करते हैं और उससे बहुत सारे ढेर सारे मनी प्लांट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया है इसके लिए। ये देखिए, मैंने मनी प्लांट्स की कटिंग्स ली हैं, 1:2, आप जितनी भी चाहें उतनी ले सकते हैं। ये मैंने ली है, थोड़ी मिट्टी ली है, इसका कॉम्पोजिशन मैं अभी बताऊंगी आपको। एक खाली पॉट लिया है प्लांटर, ये कांच की बॉटल है, इसमें क्लीन वाटर है और ये अलग से फ्रेश वाटर है। सो लेट अस स्टार्ट द कटिंग। दोस्तों इसके लिए जो मैं कटिंग लूँगी उसके लिए ये ज़रूरी है कि इसमें कम से कम 4 नोड्स होनी चाहिए। नोड्स फ्रेंड्स इस एरिया को बोलते हैं जहाँ से नया शूटअप स्टार्ट होता है, दिस वन। सो हमको यहीं से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, कम से कम इसमें बहुत सारी हैं, एटलीस्ट आप जो भी कटिंग लें उसमें कम से कम 4 तो हों ही नोड्स एरिया। इसमें है 1, 2, 3 और 4, 5, 6। सो लेट अस स्टार्ट कटिंग। दोस्तों एक बात, ये खास बात ध्यान रखनी है आपको कि जो भी आप कटिंग करेंगे वो स्ट्रेट कटिंग नहीं होगी, वो 45 डिग्री पे आप कट करेंगे। इस जगह पर नोड के ठीक ऊपर कट लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारी एक कटिंग तैयार हुई, 1। अब हम जो है, एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें जो आप इस तरीके के लीव्स हैं, मैंने जानबूझ करके दोनों तरह के जिसमें पत्तियां हो वो लिए, जिससे आपको दिखा सकूं कि इस तरीके के लीव्स को हमें नहीं लेना है, इसलिए कि प्लांट की अननेसरी जो एनर्जी है इनको ग्रो करने में लग जाएगी, तो इन सबको हम रिमूव कर देंगे। हमें सिर्फ हेल्दी कटिंग्स इस तरीके से लेनी है जो हेल्दी लीव्स हों। तो ये देखिए, ये मेरी दूसरी लीव कटने जा रही है, ये दूसरी कटिंग, ये दोस्तों ये, और ये हमारा वेस्ट पोर्शन है, दिस वन वी हैव नॉट टू यूज़। सेकेंड कटिंग इसी तरीके से हम सब लीव्स कट कर लेते हैं। ये चूँकि लीव थोड़ी डैमेज है इसलिए मैं इसको हटा दे रही हूँ। इस तरीके से हम जितनी चाहें उतनी लीव्स कट कर सकते हैं। ये भी कट है दोस्तों, इसलिए इसको भी मैं हटा रही हूँ। मैंने 2 लिया था कटिंग्स, जिससे कि जो ख़राब लीव्स हों उनके बाद हमारे पास काफ़ी ढेर सारी हो जाएं। ये देखिए, इस तरीके से करके हम इन सबको काट करके रख लेंगे। मैंने इसी तरीके से 4 और कटिंग करके अभी रखी थी, जिससे कि अननेसरी टाइम ना वेस्ट हो। देखिए मेरे पास 1, 2, ये अभी अभी मैंने कट करी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये करीब 8 या 9 पीसेस ये हो गए हैं। अब मैं इनको आपको क्लीन वाटर में इस तरीके से आपको प्लांट कर देना है, लाइक दिस 1। देखिए ये सब इस तरीके से, इनमें सब पे नोड एरिया में, अगर आप कट यहाँ से लगाते हैं तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़, उसका कोई मतलब नहीं होगा। वो धीरे धीरे लीव आपकी सड़ जाएगी, आपका प्लांट कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो आप इन नोड वाला एरिया को ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस तरीके से फ्रेश वाटर में ऐसे आपको लगा देना है। तो चलिए फटाफट लगा देते हैं इसको ऐसे, लाइक दिस, दिस वन, और इस तरीके से करके ये हम, ये देखिए एक और बची है, ये इस तरीके से हमने लगा दिया। ये मैंने आपको आज ये इस तरीके से करके बताया, इसका रिज़ल्ट आफ्टर वीक और आफ्टर 15 डेज़ क्या होगा ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने 15 डेज़ पहले करके रखा था, जस्ट इसी तरीके से रखा था इसको, और ये देखिए 15 डेज़ पहले जो मैंने प्लांट की थी इस तरीके से कटिंग से, उसके देखिए ये रूट्स किस तरह से बड़ी हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, इनकी लीव्स देखिए, एक एक लीव्स पे ये देखिए सब नई नई लीव्स भी आ रही हैं और ये हमारी ये रूट्स डेवलप कर रही हैं। ये देखिए ये ढेर सारे, इससे इस एक से ही मैं ना जाने कितने बना सकती हूँ। देखिए सब पे डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सब जो है इसमें इस तरीके से लगी हुई थी।
यही रिजल्ट इस वाले प्लांट का भी हो जाएगा आपके करीब 12 से 15 दिन के बीच में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से तो मैंने किया ये, इसको मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये पानी में तो अच्छे से ग्रो करता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि इसको प्लास्टिक के बॉटल में कभी नहीं करें, क्योंकि जितनी अच्छी कांच की बॉटल में या ग्लास में, ये देखिए सिर्फ सिंपल एक वाटर ग्लास मैंने लिया था, कांच के ग्लास में बहुत अच्छा ग्रो करता है या कांच के बॉटल में, और प्लास्टिक के बॉटल में ये उतना अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो मिट्टी में लगाने के पहले मैं हर कटिंग को इसी तरीके से पहले प्लांट में ग्रो करती हूँ। तो अब प्लांटर के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक खाली प्लांटर लिया, इसमें एक गिट्टी डाली है इस तरीके से, देखिए ये देखिए ऐसे दो डाल लिया है, इसमें 3 होल्स थे, ये देखिए ये 3 होल्स थे। अब इसके लिए मैंने ये कॉम्पोजिशन लिया है, ये इसमें मिक्स है आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल मिक्स है, आपका काउडंग मैन्योर है, और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इस कोकोपीट, ये मैं अपने सभी प्लांट्स में डालती हूँ और इससे हमारा पौधा बहुत अच्छा सा रहता है। ये देखिए मैं इसमें इसको डालती हूँ, ये ऐसे डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, जो ये प्लांट मैंने इसमें ग्रो किया था उसको मैं इस तरीके से इसमें प्लांट करती चलूँगी। ये देखिए दोस्तों नीचे अगर लीव है तो उसको कट कर देना पड़ेगा, अभी मेरे पास इसमें नीचे लीव नहीं इसलिए मैं कट नहीं कर रही हूँ। ये देखिए ये देखिए दिस वन। अब हम उसके ऊपर से इसमें अभी और मिट्टी डाल देंगे इस तरीके से, ये देखिए ये हम सारी मिट्टी डाल करके इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कोई प्लांट ग्रो करें इस तरीके से मिट्टी में लगाएं आप सॉइल में, तो इमीडिएटली आप लगाने के बाद तुरंत इसमें आप वाटरिंग कर दें, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर कि तुरंत आपके वाटरिंग करना ज़रूरी है। तो ये देखिए अब इसको सुबह मॉर्निंग में हल्की सी लाइट एक एक घंटे की आप ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर ये हल्की सी मॉर्निंग लाइट में रखा रहे। दोस्तों देखिएगा धीरे धीरे ये किस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, आफ्टर 15 डेज जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको और भी क्या करूँगी, मैं इसको इस तरीके के प्लांट में लगा दूँगी, इस तरीके के प्लांटर में जो मैंने मिट्टी का लिया है लगभग 14 इंचेस का गमला लिया है, ये जो मैंने कट ये जो ग्रो किया हुआ ये मनी प्लांट, ये इसी तरीके से मैंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वाटर में किया, कांच की बॉटल में किया, फिर मैंने इस तरीके के प्लांट में किया, प्लांटर में किया, फिर मैंने इसको इसमें कर दिया। और ये देखिए मैंने मॉस स्टिक के सहारे इसको चढ़ाया है, ये धीरे 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 देखिए दोस्तों यहाँ तक आ गया है, और ये सब मेरी कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। सबसे पहले कांच के बोतल में पानी से 15 दिन, फिर इसके बाद इस तरीके के प्लांटर में, आप चाहें तो इसमें भी लगा रहने दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद बड़ा करने लगेगा तो फिर ये और भी अच्छा होता जाएगा। और ये दोस्तों अभी थोड़े दिन बाद ही फिर पूरा पूरा कवर करके यहाँ तक हो जाएगा। तो मैंने इसी तरीके से किया, ये देखिए मैंने अभी एक और प्लांटर आप लोगों को दिखाने के लिए किया था, तो ये दो हैं, अभी मैं 15 डेज़ बाद ये काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाएंगे तो इनको मैं इसी तरीके से एक अन्य प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। तो एक बात आपको और भी ध्यान देनी है कि जो आप इस तरीके का कांच के बॉटल में आप लगाएंगे उसके वाटर को आप क्लीन वाटर, हमेशा आप क्लीन वाटर लेंगे, हर 3 डेज़ में आप चेंज करते रहेंगे और धीरे धीरे इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे। आप बीच में निकाल के देख भी सकते हैं, इसका तरीका ये है कि आप इनको निकालिए, सारा पानी नीचे ड्रेन कर दीजिए, फेंक दीजिए और उसमें रूट्स चेक कर लीजिए, रूट्स आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएंगे। तो यही मेरा तरीका है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन दबाना मत भूलिए, और इस तरीके से करके आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांटर्स में इनको खूब सुंदर सी DIYs में आप इनको सजाइए, प्रोपगेट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।